Welcome back students. These days we are learning about various terms and phrases in Indian polity. Last lecture में हमने discuss किया है कि हम कुछ basic terms और phrases learn करेंगे history और polity के बारे में, जिनसे हमारी subject की knowledge बढ़ेगी. और वैसे भी exams में ऐसे बहुत सारे questions आते हैं जो terms और phrases की definition के ऑप्शंस में होते हैं या मैचिंग टाइप होते हैं, तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है. तो पिछले लेक्चर में वी लर्न्ड अबाउट व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सेपरेशन ऑफ पावर्स यू नो वॉज गिवन बाई मॉन्टेस्क्यू एंड ही सेड दैट देर आर थ्री ऑर्गन्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. एक का काम एग्जीक्यूट करना है, लॉज को एग्जीक्यूट करना है, देश की गवर्नेंस करना है. दूसरे का काम लॉ बनाना है, लेजिस्लेशन करना है. तीसरे का काम एडजुडिकेशन करना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है. एंड ऑल द थ्री हैव टू वर्क एज पर द लॉ एंड लॉ हैज टू वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज गिवन बाई मॉन्टेस्क्यू. इट्स कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, दैट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. वी डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने डिस्कस किया गवर्निंग ऑर्गन्स होते हैं, उनकी पावर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके ऊपर लिमिटेशंस भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि किसी ऑर्गन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकती है. ये हमने डिस्कस किया. वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि ये हमको अधिकार भी देता है, ड्यूटीज भी देता है, और जो हमारे अधिकार हैं वो संवैधानिक ऑर्गन्स की ड्यूटी है कि वो हमको प्रदान करेगी. और इसलिए हमारे अधिकार सरकारों के ऊपर एक लिमिटेशन भी हो जाती है, वो हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते. कानून भी बनते हैं तो संविधान के अनुसार बनने चाहिए. कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता, कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता विच इज़ नॉट एज पर द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ऐसा होगा तो कोर्ट विल होल्ड दैट लॉ इज नल एंड वॉइड. ऐसे कई सारे हम लोगों ने एग्जांपल पहले देखे हुए हैं. वी ऑल्सो डिस्कस कि संविधान का तभी सार्थक होगा, तभी यूजफुल होगा, जब उसको इस्तेमाल करने वाले सही लोग हों. अच्छी चीज़ लेकर उसका इस्तेमाल मिसयूज़ तरीके से करेंगे तो फ़ायदा होने वाला नहीं है. और उस देश के कोर्ट्स कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितना ब्रॉडली उसको इंटरप्रेट करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उस देश का संविधान वहाँ के लोगों के लिए कितना यूज़फुल होगा. फिर हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ ही ये इस्टेब्लिश करता है. रूल ऑफ लॉ क्या है ये हम बाद में करेंगे. वी ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वी डिस्कस्ड देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया, एक ऐसा संविधान जो देश एक पर्टिकुलर संस्था लिखे बैठ के एक पर्टिकुलर तारीख से लागू होगा. और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो लिखा है कुछ वैसा ही आगे लिखा जाएगा. संविधान की सेट की हुई लिमिट से बाहर जाकर कोई और काम नहीं हो सकता. मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विल लीड टू संविधान ही सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. और फिर हमने लिखा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो उस देश में जो कानून बनते रहते हैं, जो कस्टम्स हैं, जो वहाँ के कन्वेंशंस वगैरह हैं, वही संविधान बन जाते हैं. वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट वहाँ पर की एक पर्टिकुलर तारीख से संविधान लागू हुआ है, जैसे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड वगैरह है. वहाँ जो परंपराएं चली आ रही हैं उसे मान लेते हैं तो वही होता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे यहाँ होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और ओबियसली जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होगा. जो पार्लियामेंट कह देगा वही संविधान हो जाएगा. रिटन सिस्टम में पार्लियामेंट वही कह सकता है जो कह चुका होता है संविधान. इतनी बातें हमने समझी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज समझते हैं ए वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट कॉल्ड डेमोक्रेसी. क्या होती है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ ए वेरी बेसिक कंसेप्ट. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. पहले एसेंशियली समझते हैं क्या होती है डेमोक्रेसी. तो बहुत शॉर्ट में समझें, बेसिक तौर पे समझें. डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज डन बाय द पीपल. वेयर पीपल रूल, पीपल रूल हाउ? वेयर पीपल रूल हाउ? पीपल रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लोगों का शासन होना चाहिए, वो चाहें खुद उसमें पार्टिसिपेट करें या अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे करें. ये क्या है हम आगे देखेंगे. तो डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों का शासन होता है. डेमो माने पीपल होता है और क्रेसी माने गवर्नमेंट होती है. इतना तो हमको पता ही है, बड़ी फेमस डेफिनेशन है.
अब्राहम लिंकन की, वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बड़ी कॉमन डेफिनेशन है गिवन बाय अब्राहम लिंकन। बट व्हेन वी से डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट मीन्स व्हाट? कभी ये समझने की कोशिश की कि उन्होंने तीन फ्रेजेस क्यों लिए, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। कुछ तो वजह होगी उन्होंने इसका इस गवर्नमेंट को फ्रेज को लिया है। इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। व्हेन ही सेड डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट मीन्स कि द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो लोगों में से ही आए हैं, लोगों में से ही आए हैं। हेंस इट इज ऑफ द पीपल, ऑल द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल। उनमें से ही कुछ लोग बन गए हैं सरकार। ये मतलब है उनका जब वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जब वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, तब उनका मतलब होता है कि जिन लोगों ने अपनों में से कुछ लोगों को चुना है कि आप गवर्नमेंट बन जाइए, देन इसका मतलब होता है उनको हम लोगों ने कुछ लोगों को सरकार तो बना दिया कि आपकी पार्टी को बहुमत है, आप गवर्नमेंट बन जाइए, लेकिन आप हमारे द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड बाय देम। व्हेन ही सेज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, इट मीन्स पीपल हैव इलेक्टेड अ फ्यू पीपल एज द गवर्नमेंट, बट दीज पीपल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल इटसेल्फ। लोग उन्हें कंट्रोल में रखते हैं, लोग उनसे अकाउंटेबिलिटी लेते रहते हैं। जब वो अपने MP MLAs को पार्लियामेंट या विधानसभाओं में भेजते हैं तो वहाँ के MP MLA लोगों के बिहाफ पर उनसे प्रश्न करते रहते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, इस पे आंसर दीजिए, अकाउंटेबिलिटी लेते रहते हैं। तो मतलब एक बार आपको सत्ता में भेजने का मतलब ये नहीं है कि आप एब्सोल्यूट पावर लिए हुए हैं, जवाबदेही नहीं है। तो जवाबदेही वाला जो पहलू होता है डेमोक्रेसी का, उसका मतलब होता है बाय द पीपल। मींस वंस यू आर इलेक्टेड एंड यू हैव बिकम द गवर्नमेंट, स्टिल यू आर एट द कंट्रोल ऑफ द पीपल। आप एवरीडे बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, 5 साल के बेसिस पर तो अकाउंटेबिलिटी आपको लोगों को देनी ही पड़ेगी, जैसे कि हमारे इलेक्शंस 5 साल में होते हैं। तो लोगों ने गवर्नमेंट को कंट्रोल में भी रखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाय द पीपल। प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, इसमें क्या होता है, हमारे भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर प्रश्न करते हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस पे क्वेश्चन उठाते हैं या उनसे पूछते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन अगर आ रहा है तो कैसे कैसे दिया जाएगा, आपने ये एक्शन लिया है तो इसका किसके फ़ायदा होने वाला है, या ये जो इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए हैं ये कितने लोगों के यूज़फुल हैं या नहीं है, या इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ऑल दिस थिंग इज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल इज कॉल्ड बाय द पीपल। एंड थर्ड इज डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ओबियसली इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये डेफिनेशन दी अब्राहम लिंकन ने। इन तीन फ्रेजेस का जो बेसिक सिग्निफिकेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। वंस यू आर इलेक्टेड यू आर स्टिल अंडर द लेंस ऑफ द पीपल। लोगों की आप लेंस में हैं, लोगों के कंट्रोल में हैं, लोगों की निगरानी में हैं, आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, आप उनके लिए काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद तो वो आपको हटा ही देंगे। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय अब्राहम लिंकन। बहुत फेमस डेफिनेशन है। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज। शॉर्ट में समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसीज के प्रकार कितने होते हैं। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आई सेड इन द बिगनिंग डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल आइदर डायरेक्टली। तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ग्रुप छोटा होगा, कम्युनिटी छोटी होगी, ओबियसली सभी लोगों को बुला के बात की जा सकती है और मेजॉरिटी से कॉन्सेंसस से फैसला ले सकते हैं, जैसे कि ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, है ना। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, सभा समिति। तो वो जो ट्राइबल सिस्टम था, वैदिक सिस्टम था, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। वो बैठ जाते हैं और सब मिलके फैसला ले लेते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब ग्रुप छोटा हो। जैसे आज हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर ग्राम सभा हुआ करती है। ग्राम सभा इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज दे पार्टिसिपेट इन द
डिसीजन मेकिंग ऑफ द विलेज, दैट इज एज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये तब संभव है जब ग्रुप छोटा हो, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाता है, तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनफीजिबल हो जाती है, संभव नहीं है कि सभी लोगों को बुलाकर बात की जाए। ऐसे में आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन विच पीपल पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑब्वियसली सभी लोगों को, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख लोग हैं, सभी को तो बुला के फैसला नहीं ले सकते। ऐसे तो डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाएगा, फैसले आ ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनों में से एक को चुन लेते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। एक मेंबर आ गया जो उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट 5 साल तक लोकसभा में करता रहेगा। मतलब ए होल लॉट ऑफ पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाई वन सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता के भेजे हुए नुमाइंदे उनके व्यू पॉइंट को आगे रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक होती है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। ये सारे फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है कहीं ना कहीं आपको ये डेफिनेटली एग्ज़ाम्स से मिलते जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इनको समझेंगे। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल आर देयर। एक ग्रुप का इंटरेस्ट कुछ ऐसा है, एक ग्रुप का इंटरेस्ट कुछ ऐसा है, तो जो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर वेरियस ग्रुप्स हैव कैपेसिटी टू इंश्योर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जहाँ पर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनका बेसिस कुछ भी हो सकता है, बेसिस सोशल हो सकता है, बेसिस इकोनॉमिक हो सकता है, किसान संगठन हो सकते हैं, दैट इज, तो कहाँ तक डिफरेंट ग्रुप्स कम्पीट विद ईच अदर इन इन्फ्लुएंसिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट कैन को एग्जिस्ट एंड दे ऑल कैन हैव बेनिफिट फ्रॉम द गुड गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। द ऑर्गेनाइज ग्रुप्स ट्राई टू कम्पीट विद ईच अदर टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। सभी के इंटरेस्ट गवर्नमेंट ध्यान में रखती है और सभी वर्गों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात आगे रख सकें, उनकी बात काफ़ी हद तक सुनी भी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। वह ऐसा नहीं होता है जो माइनॉरिटी में है या छोटे ग्रुप हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सभी की बात सुनी जाए, दैट इज कॉल्ड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। ग्रुप्स कॉम्पीट करते हैं। एलिट डेमोक्रेसी, यहाँ से ही पता लग रहा है ओबियसली, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के हाथ में हो जाती है। वेल्दी एंड प्रिविलेज्ड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। दैट इज नॉट राइट काइंड ऑफ, यू कैन से नॉट वॉन्टेड थिंग, ये नहीं चाहिए होती है, ये डिजायरेबल नहीं होती है, तो क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। एंड ओबियसली अगर हम देखें, कुछ ना कुछ एलिमेंट एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, कुछ फैसले ऐसे भी दिखते हैं जो एलिटिस्ट लोग ही फैसला करवा देते हैं, कहीं एक पर्टिकुलर ग्रुप हावी हो जाता है। तो एलिट डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेल्दी एंड प्रिविलेज्ड पीपल और ग्रुप इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग इन दैट कंट्री, दैट इज कॉल्ड एलिट डेमोक्रेसी। नाउ देखिए, एक क्वेश्चन आया, कल एग्जाम हुआ CAPF का, उसमें ये क्वेश्चन आया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज हैं और यूपीएससी का एग्जाम है CAPF दिसंबर 20, डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, जैसे मैंने आपको बताया, कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, वेरियस ग्रुप्स कम्पीट विद ईच अदर टू हैव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ए इज मैच्ड विद 4। पीपल्स डेमोक्रेसी, सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप, जिसे हम कम्युनिस्टिक फॉर्म ऑफ सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जहां पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं देश के, साधन हैं, संसाधन हैं, वो कॉमन ओनरशिप में, सभी लोग उसके मालिक हैं
और सोशल इक्वलिटी हुआ करती है, दैट इज कॉल्ड पीपल्स डेमोक्रेसी। जो सोशलिस्टिक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसे पीपल्स डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये होता है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स का कैपेसिटी का डेवलपमेंट कुछ ऐसा हो कि वो वाइज फैसला ले सकें, उनको एजुकेशन दी जाए, उनमें रैशनलिटी डेवलप की जाए, उन्हें वाइज बनाया जाए ताकि वो सही फैसला लेने के लायक हो पाए। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज सो दैट दे कैन टेक द वाइज डिसीजन, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये मानती है कि जो लोग फैसला ले रहे हैं, जिसको वो वोट कर रहे हैं, वो सही व्यक्ति को वोट करेंगे, और सही व्यक्ति को वोट करने के लायक बनाने वाला जो सिस्टम होता है दैट मे बी कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट्स दैट लीड टू डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। मतलब व्यक्ति का विकास किया जाए हर पहलू पे ताकि वो एक सही फैसला ले पाए। एंड एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, यू नो द पावर इज एक्सरसाइज बाय द प्रिविलेज्ड फ्यू। तो डी का हो जाता है वन। दिस इज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्ड यस्टरडे इन द CAPF एग्जाम। तो कई बार हम रोज़मर्रा की पढ़ाई में इन टर्म्स को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें जान लेंगे तो हमारे किसी भी एग्जाम में ये कभी भी अपीयर हो सकती हैं। वी शुड नो सच टर्म्स। नाउ देखिए एक क्वेश्चन और डेमोक्रेसी से संबंधित। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्शन। ये 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्शन। डेमोक्रेसी का जो रियल वर्च्यू है, खासियत है, क्वालिटी है, वो इसमें लाई करती है कि वो एक्टिविटी में ले आए क्या? द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वीमेन, द मैथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। तो अभी मैंने आपको बताया डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी प्री सपोजेज दैट दोज हु आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी आर वाइज पीपुल एक्टिंग रैशनली, एक्टिंग रीजनेबली, एक्टिंग लॉजिकली। हेंस ऑब्वियसली डेमोक्रेसीज वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट ब्रिंग्स इनटू एक्टिविटी दोज पीपुल हु आर इंटेलिजेंट इनफ, हु आर करेक्टर एंड टू ब्रिंग अबव द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वीमेन। ऑर्डनरी आम व्यक्ति का विकास कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, उनके व्यक्तित्व का, उनके बुद्धिमत्ता का, उनके विजडम का विकास इस पहलू तक लाया जाए कि वो सही फैसला लेने में सक्षम हो पाए। ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज ए। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेसी। सो दिस वे वेरियस क्वेश्चन आर आस्ड इन वेरियस एग्जाम्स। तो दिस आई वॉन्टेड टू टेल यू कि टर्म्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी शैल कम अगेन विद मोर टर्म्स एंड फ्रेजेस सो दैट यू विल गेन मोर एंड मोर, यू कैन से ग्राउंडिंग और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक्स अ लॉट।